सो कैसे आप सब। चलिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में डॉक्टर जी मूवी के बारे में, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, शिवा चड्ढा, शेफाली शाह। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट डायरेक्टर अभुनीति कश्यप ने, ठीक है, जो है अनुराग कश्यप की बहन, जो कि ये डेब्यूटेंट डायरेक्टर है। और ये मूवी की जो कहानी है बेसिकली वो इर्द गिर्द घूमती है गायनेकोलॉजिस्ट के, यानी कि हमारे जो डॉक्टर उदय गुप्ता है, प्लेड बाय आयुष्मान खुराना, जो कि एक गर्ल्स के क्लास में, वो अकेले मेल गायनेकोलॉजिस्ट है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। तो किस तरीके से उनके अंदर वो ऑकवर्डनेस होती है। पहले तो यार उन्हें ऑर्थो में जाना है, ऑर्थो हड्डियों का डॉक्टर बनना है, बट किस तरीके से ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है उनके सामने कि वो उन्हें न चाहते हुए भी गायनेकोलॉजिस्ट के डिपार्टमेंट में गायनेकोलॉजिस्ट की जो सीट है वो चूज़ करनी पड़ती है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। नाइस अटेम्प्ट कहूँगा मैं इस स्टोरी को, जो जिस तरीके से लिखा है, जिस तरीके से हैंडल किया है। ऑब्वियसली फीमेल डायरेक्टर है तो गायनेकोलॉजिस्ट और जो सारी चीज़ें हैं स्त्री रिलेटेड जो ये चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से समझेगी। वेल हैंडल है ये मूवी। फिर किस तरीके से एक फीमेल के डॉक्टर के क्लास में अकेला बंदा, अकेला मेल गायनेकोलॉजिस्ट होता है, उनकी उसकी क्या माइंडसेट होती है, मतलब वो अकेला गायनेकोलॉजिस्ट है, मेल गायनेकोलॉजिस्ट, फिर किस तरीके से वो ऑकवर्डनेस फील करता है जब भी वो औरतों के वो नीचे वाले पार्ट को टच करने की कोशिश करता है, जो कि फीमेल प्रेफरेंस ज़्यादा देता है। बट फिर भी किस तरीके से वेल हैंडल ये स्टोरी है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। क्योंकि ऐसी स्टोरी है ना दोस्तों, ये ऊंच नीच हो सकती थी, मतलब इधर भी जा सकती थी, इधर भी जा सकती थी, बट ये इसने संभाले रखा। ऑब्वियसली इसको ए सर्टिफिकेट मिला है तो फैमिली, बच्चे तो दूरी हो जाएंगे, यंगस्टर्स ज़्यादा जाएंगे, और जो भी डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा इस मूवी को देखेंगे ए सर्टिफिकेट के कारण। हालांकि ये मूवी जो है बहुत ही डिसेंट तरीके से बनाई है। जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट होता है ना, उनके अंदर की जो बातें हैं, उनके अंदर की जो जो माइंडसेट है कि किस तरीके से वो ऑकवर्डनेस फील करता है, किस तरीके से वो मतलब फीमेल पेशेंट को टच करने से घबराता है स्टार्ट में, एंड जब वो फर्स्ट अपनी डिलीवरी कर देता है फीमेल पेशेंट की, तो वो किस तरीके से उनके चेहरे पे वो खुशी होती है, और फिर किस तरीके से आगे कहानी बढ़ती है। उदय गुप्ता जो है एक मेल डॉक्टर है, उन्हें वो डॉक्टर की परिभाषा समझ में आती है कि डॉक्टर डॉक्टर होता है, इसमें ना ही मेल होता है ना ही फीमेल होता है। डॉक्टर का काम क्या होता है, पेशेंट की जान बचाना और पेशेंट की रक्षा करना। तो ये सारी चीज़ें बींग अ गायनेकोलॉजिस्ट और जो ऑकवर्डनेस उनके अंदर होती है कि ये मतलब मैं कैसे छूऊंगा फीमेल पेशेंट को, फीमेल पेशेंट के नीचे वाले पार्ट में मैं कैसे हाथ लगाऊंगा, तो धीरे 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 वो ऑकवर्डनेस ख़त्म हो जाती है और वो एज अ डॉक्टर काम करने लगते हैं, धीरे धीरे सक्सेसफुल होते हैं। पूरी कहानी यही बताई है। सो वो जो ऑर्थो जो जाना था वो गायनेकोलॉजिस्ट में आ गए, और जिस तरीके से उनका परिवर्तन होता है देखने में अच्छा लगा। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज आयुष्मान खुराना नेल्ड इट। जिस तरीके की ऑकवर्डनेस चाहिए थी, जिस तरीके के जो एक्सप्रेशन चाहिए थे, हर सिचुएशन में उन्होंने नेल्ड इट, ही नेल्ड इट। रकुल प्रीत सिंह एज अ फातिमा, डॉक्टर फातिमा सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, वो मज़ेदार है, अच्छा कैरेक्टर है। शेफाली शाह एज HOD, लगती है HOD, पावरफुल स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर के प्रति जो एथिक्स होते हैं, कोर्स एंड कंडक्ट होते हैं, रूल्स रेगुलेशन जिस तरीके से बनाना होता है, सारी चीज़ें वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है। स्ट्रॉन्ग वुमेन है इस मूवी में शेफाली शाह, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड बाकी के इर्द गिर्द जो आर्टिस्ट है आजू बाजू, जो भी फीमेल डॉक्टर्स है, उन्होंने सपोर्टिंग बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। एंटरटेनिंग है, फन मूवी है। हाँ, इसमें जो शिवा चड्ढा जो है एक्ट्रेस, उनका जो कैरेक्टर है माँ का, उदय गुप्ता की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगा, थोड़ा मुझे अजीब लगा मैं कहूँगा, कि वो एंगल और डॉक्टर फतिमा और उदय गुप्ता के बीच का जो लव एंगल है वो नहीं होता तो भी चल जाता। और म्यूज़िक की बात करें, म्यूज़िक इज़ अ लेट डाउन मैं कहूँगा,
म्यूजिक आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, स्टोरी के साथ स्टोरी को बांधे नहीं रखता, बस स्टोरी के बीच में आके रुकावट पैदा करता है। तो म्यूजिक बहुत ही लेट डाउन था और बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगा। एट दी एंड जब हम मूवी देख के ख़त्म करते हैं तो एक भी गाना ऐसा नहीं है कि हम मेमोरेबल हो, याद रहे, कोई ऐसे लिरिक्स हो याद रहे। तो म्यूजिक वाइज ये मूवी बहुत ही लेट डाउन करती है। बाकी और एज अ डायरेक्टर दो फीमेल डायरेक्टर है, उन्होंने अच्छे से हैंडल किया है, वेल हैंडल है। हाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है कहानी, लूपहोल्स है, बट एट दी एंड ओवरऑल एक डिसेंट अटेम्प्ट कहूँगा। गायनेकोलॉजिस्ट की जो कहानी होती है, मेल गायनेकोलॉजिस्ट की इर्द गिर्द जो कहानी यहाँ पे बुनी है, और जिस तरीके से डॉक्टर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स के एथिक्स, रूल्स, कोर्स, कंडक्ट, रेगुलेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई है। और जिस तरीके से ऑपरेशन होता है, जिस तरीके से फीमेल पेशेंट जब बच्चे की जन्म देने वाली होती है, तो वो सारी चीज़ें ओपनली बताई है, जो हैट्स ऑफ है जिस तरीके से कहानी बनाई है। सो ओवरऑल एक डिसेंट वॉच है, डिसेंट अटेम्प्ट है, मैं कहूँगा, जो बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही मुझे मज़ा आया। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फैमिली के साथ जाके देखिए, हालांकि आप ये मूवी देख सकते हैं अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जब भी आएंगी तब आप फैमिली के साथ देखिए, वरना थिएटर में तो आप नहीं देख पाएंगे। सो ओवरऑल एक डिसेंट मूवी है। मैं इस मूवी को, डॉक्टर्स जी को, 5 में से 3 स्टार्स देता हूँ दोस्तों, 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर डॉक्टर्स जी। अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी ये मूवी देख कर लिख कर मुझे बताइए, मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो भी नीचे लिख कर बताइए, और मेरे इस वीडियो को, रिव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, और बस मौज करिए।